पिछले महीने ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, जिसकी प्रक्रिया पूरे 42 दिनों तक चली। 4 महीने पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और अगले 5-6 महीने में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। मतलब साफ है कि हर 4 से 6 महीने में देश चुनावी मोड में चला जाता है, इसीलिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की वकालत की जाती है। पीएम मोदी ने 16 जून को हुई सर्वदलीय बैठक में ये चर्चा छेड़ी और 19 जून को एक राष्ट्र एक चुनाव के एजेंडे पर बात करने के लिए सभी पार्टियों के अध्यक्षों की अलग से बैठक भी बुलाई है। He has called the meeting of all party presidents. पीएम ने उन सभी दलों के अध्यक्षों को बुलाया है जिनके संसद में सदस्य हैं। पीएम ने सभी पार्टियों के अध्यक्षों की बैठक 19 जून को दोपहर 3 बजे बुलाई है। बैठक में एक राष्ट्र एक चुनाव समेत कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। अबाउट इम्पोर्टेंट इश्यूज इंक्लूडिंग वन नेशन वन इलेक्शन। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने से 3 अहम फायदे होंगे। बार बार आचार संहिता लागू होने से विकास के काम रुकते हैं और आर्थिक विकास प्रभावित होता है, जिससे बचा जा सकेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव से धन और समय बचेगा, क्योंकि बार बार इलेक्शन से भारी मात्रा में पैसा और वक्त बर्बाद होता है। एक फायदा ये भी होगा कि सिक्योरिटी फोर्स को बार बार चुनाव में तैनात करने से निजात मिलेगी और वो देश की सुरक्षा में ज्यादा वक्त दे पाएंगे। दिन दिन बीजेपी सोचेगी हम करेंगे तो नहीं होगा, ये किसी एक दल का किसी एक व्यक्ति का एजेंडा नहीं हो सकता। देश की भलाई के लिए सबने मिलकर के करने का काम है, एक बार चर्चा तो शुरू हो भाई। 1999 में विधि आयोग ने 5 साल में एक साथ चुनाव कराने की पहली बार सलाह दी थी। पिछले साल एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर विधि आयोग ने सभी दलों की राय भी मांगी थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस ने तब भी इस आइडिया का विरोध किया था और अब भी उसका स्टैंड बदलता नहीं दिख रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ भारत जैसे विविधतापूर्ण देश की में वन नेशन वन इलेक्शन, कल आप कुछ और कहेंगे, कुछ यहाँ से और आगे बढ़ेंगे, जो हमारी विविधतापूर्णता है उसको लोकतांत्रिक तरीके से ही आगे बढ़ने देना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि सिंगल फेज चुनाव, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन इट साउंड्स गुड, लेकिन इससे फायदा क्या होने वाला है? क्या जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई है उसको भंग करेंगे? यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि जो कांग्रेस एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध कर रही है, उसी की वजह से लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होने शुरू हुए थे। आजाद भारत में जब 1952 में पहली बार चुनाव हुए, तब लोकसभा और विधानसभा के लिए एक साथ वोट डाले गए। 1957, 1962 और 1967 में भी देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए गए, लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर मध्यावधि चुनाव करवा दिया, जिसके बाद 5 साल में एक बार चुनाव कराने की प्रक्रिया बाधित हो गई। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से भी विधानसभा चुनाव अनियमित तरीके से होने लगे। जो परिस्थितियां थी आज बदल गई हैं। मेरा मानना है कि इसको पुश करने से पहले इस पर एक बार विशद चर्चा पार्लियामेंट में पहले हो और फिर कदम आगे बढ़ाए जाए। आप बिना संविधान में संशोधन लाइए कैसे विधानसभाओं का कार्यकाल कम करेंगे? और यदि आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो क्या आंध्र में भी आप अभी इलेक्शन करवाएंगे, तेलंगाना में भी करवाएंगे, उड़ीसा में भी करवाएंगे? कैसे समाधान निकालेंगे? कांग्रेस, आरजेडी समेत कई विपक्षी दल एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में नहीं दिखते, लेकिन इन्हें समझना होगा कि बार बार चुनाव से जो बेहिसाब पैसा खर्च होता है वो अगर बच जाए तो देश के विकास के ही काम आएगा। इसलिए ये जरूरी है कि सभी पार्टियां एक साथ आएं और चर्चा करें कि पूरे देश में हर 5 साल में एक साथ चुनाव करवाना क्यों नहीं मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।